नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल इधर, इसका सॉल्यूशन देखो, इधर ध्यान दो पहले, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, क्लियर है। इसके दो रूट्स गिवन अपने को, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो ध्यान दो इधर, अगर अपन अल्फा, ठीक है सॉरी, एक्स रिप्लेस बाय वन बाय एक्स, एक्स रिप्लेस बाय वन बाय एक्स, ठीक है, तो क्या होगा, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। इसके रूट्स क्या होंगे, इसके अल्फा बीटा थे, तो यहां से एक्स को मैंने रिप्लेस किया वन बाई एक्स से, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, वन बाई अल्फा अपॉन वन अपॉन बीटा, क्लियर है। इसके बाद आप, इसका मतलब क्या हुआ, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, अगर इन्होंने इसके रूट हैं, तो इसके रूट के फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन बाई अल्फा इंटू एक्स माइनस वन अपॉन बीटा, ठीक है। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो ध्यान दो इधर, इसको चेक करते हैं आप, लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई अल्फा, लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई अल्फा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, क्लियर है। हाँ, अगर मैं इसको सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसके होल स्क्वायर से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो क्या बनेगा, अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दो इधर, स्टैंडर्ड लिमिट चेक करो, देखो इधर स्टैंडर्ड लिमिट को, वन माइनस कॉस सेम एक्स अपॉन सेम एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से इसकी लिमिट कितनी आ गई, वन आ जाएगी। तो देखो इधर, लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी लिमिट वन वन बाई टू हो जाएगी, सॉरी वन नहीं होगी, वन बाई टू होगी, ठीक है। और उधर यहाँ पे इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए की जगह अपन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स माइनस वन बाई अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बाई बीटा का होल स्क्वायर। देखो आगे नेक्स्ट, यहां से अल्फा कॉमन ले रहे हैं, इस ब्रैकेट से अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या बन क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बन क्या आएगा, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, वन बाई अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब इसको लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बाई बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखूं, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन बाई अल्फा का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, ठीक है। और अब इसकी फाइनल वैल्यू पुट करो, लिमिट की वैल्यू अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वन बाई टू, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे वन बाई अल्फा माइनस वन बाई बीटा, इसका होल स्क्वायर जैसे आप करोगे तो ऊपर स्क्वायर रूट भी गिवन है, तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा नीचे क्या आ जाएगा। फाइनली अपना सॉल्यूशन क्या आ गया, वन बाई टू, वन बाई टू, ठीक है, इंटू वन बाई अल्फा माइनस वन बाई बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। तो ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, अपन सीरीज एक्सपांशन से पहले कुछ
क्वेश्चंस आएंगे अपने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन देखते हैं अपन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन देखो। कब लगता है भाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, कब अप्लाई, कब यूज करते हैं अपन, अपन बाइनोमियल ठीक है अप्रोक्सीमेशन ओनली फॉर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में ही अपन यूज करते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, इससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है सॉल्यूशन में। देखो आगे क्वेश्चन, अपन एग्जांपल लेते हैं, तो इसको अपन कैसे अप्लाई करें, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को कैसे अप्लाई करें भाई, ठीक है। तो देखो सिंपल सी इस लाइन है, टेक हाईएस्ट पावर इज कॉमन, एंड अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, एंड अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो ध्यान दो इधर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट x टेंस टू 1 p अपॉन 1 माइनस x टू पावर p माइनस q अपॉन 1 माइनस x टू पावर q, ठीक है। इसकी अपने को लिमिट चेक करनी है, तो इससे पहले एक लाइन लिखो, एक लाइन नोट करो, whenever we have infinity minus infinity indeterminate form in denominator if use of binomial expression then use second degree approximation, जब भी डिनोमिनेटर में हो तो अपन कितने डिग्री यूज करेंगे, सेकेंड डिग्री अप्रोक्सीमेशन। चलो भाई अब देखो आगे, हाँ अब देखो इसका सॉल्यूशन, देखो एक्स को रिप्लेस करें अपन 1 प्लस एच से रिप्लेस कर, एक्स को 1 प्लस एच से रिप्लेस करोगे देन लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो एच टेंस टू कितना हो जाएगा 0, तो पी अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एच पावर पी माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एच पावर स्मॉल क्यू, क्लियर है। अब यहां पे अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे सेकेंड डिग्री का, तो कैसे करोगे भाई, बाइनोमियल एक्सप्रेशन सबको पता होगा, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, पी अपॉन 1 माइनस इस पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करो, बोलो क्या होगा भाई, 1 प्लस पी एच प्लस पी इंटू पी माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, माइनस ऑफ क्यू अपॉन 1 माइनस 1 प्लस क्यू एच प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 एच स्क्वायर अपॉन
फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये अपना एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद देखो आगे, लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा भाई, p अपॉन सॉल्व करोगे कितना जाएगा, नीचे देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे पी एच इंटू पी टाइम्स ऑफ टी माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर, तो यहां से पी कॉमन आ रहा है, जैसे यहां से पी कॉमन आएगा, ठीक है, एच भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस पी माइनस 1 इंटू एच अपॉन 2, ठीक है, आगे माइनस क्यू अपॉन सेम क्यू एच 1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू एच अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, यहां देखो ऊपर पी से पी कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू भी कैंसिल हो गया, इसके बाद अपन क्या करेंगे, टेक द एलसीएम, टेक द एलसीएम, ठीक है, लिमिट एस टेंस टू 0, लिमिट एस टेंस टू 0 क्या होगा भाई, एलसीएम बताओ मेरे को, एच इंटू 1 प्लस पी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एच, ये एलसीएम आएगा। इसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, एच इंटू 1 प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एच टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस पी माइनस 1 एच अपॉन 2, ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ध्यान दो इधर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फाइनली क्या आया, क्यू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, माइनस पी माइनस 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में एच आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, एस टाइम्स ऑफ 1 प्लस पी माइनस 1 अपॉन 2 एच और 1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू एच अपॉन 2, यहां एच से एच कैंसिल हो गया, और अब एच की वैल्यू रिप्लेस एच लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, q माइनस 1 अपॉन 2 माइनस पी माइनस 1 अपॉन 2, जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2, q माइनस 1 माइनस पी माइनस प्लस 1, तो फाइनली q माइनस पी अपॉन 2, ठीक है, q माइनस पी अपॉन 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपना, q माइनस पी अपॉन 2, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अप्रोक्सीमेशन यूज करने से पहले क्या था, टेक हाईएस्ट पावर इज कॉमन, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी भाई, इसमें एक्स ही होगी, यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स, तो जैसे ही मैं लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा अंदर, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ जाएगा, फिर ए प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो यहां से एक्स आ जाएगा और ए बी जो कॉन्स्टेंट होगा उसके नीचे एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है,
और माइनस वन, क्लियर है भाई, यही होगा। अब देखो यहां से इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर पावर वन बाई टू माइनस वन, क्लियर है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, अब देखो आगे इंफिनिटी एक्स इंफिनिटी को जा रहा है, इसका मतलब यहां से ये कंप्लीट एक्सप्रेशन किसको जाएगा, जीरो को, और यहां से भी इंफिनिटी को, डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जा रहा है, इसका मतलब कंप्लीट ओवरऑल वैल्यू किसको जा रहा है, जीरो को जा रहा है। तो यहां से फिर से अपन ये क्या बन गया, ठीक है, और यहां पे इंफिनिटी, ठीक है, ये एक्स इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वापस से वही आ गया, ठीक है। तो ये जब भी जीरो को जाए तो ये अपन बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी क्या करोगे भाई, इसका बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस, ठीक है, वन प्लस ए प्लस बी अपॉन टू एक्स प्लस ए बी अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, प्लस वन माइनस वन फिनिश। इसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, क्या होगा भाई, एक्स यहां से एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी अपॉन टू एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस ए बी अपॉन टू एक्स, लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है, और ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है, ये जीरो हो गया। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया, ए प्लस बी अपॉन टू आंसर। नेक्स्ट है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होती है, तीन फंक्शन है अपने पास, ठीक है, एफ ऑफ एक्स लेस देन ऑफ जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स, ठीक है, ये तीन फंक्शन है, तीनों ही फंक्शन क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिन तीनों ही फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स टेंस टू ए मान लेते हैं, एक्स टेंस टू ए अपन अज्यूम कर लेते हैं, तो इसकी लिमिट मान लेते हैं कुछ एल आ रही है, ठीक है, इसकी लिमिट मान लेते हैं स्मॉल एल, सेम एज लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, यहां पे भी एल आ रही है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स, इसकी लिमिट भी कितनी है, एल आ रही है। अगर अपन बात करें फंक्शन की, ग्राफ की थोड़ा सा, तो सबसे छोटा फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ ऑफ एक्स को, ठीक है, और ये किसको, जी ऑफ एक्स को, और इधर से अगर कोई फंक्शन यूज है तो एच ऑफ एक्स, जो तीनों दोनों फंक्शन से ही मोड़ देना है, ठीक है, और ये तीन फंक्शन हो गए अपने, और एक ही पॉइंट पे इक्वल होते हैं, जो पॉइंट अपना एल अपन कंसिडर करते हैं, वो पॉइंट क्या कंसिडर करते हैं, एल कंसिडर करते हैं, तीनों इसी पॉइंट पे इक्वल हो सकते हैं, बाकी एच ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स और लेस देन एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये अपना ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया, आगे देखो इसका एप्लीकेशन देखो, इसकी रेडियस होगी ये भी रेडियस, और ये एंगल अपन मान लेते हैं x डिग्री, कितना है x डिग्री, तो ध्यान दो इधर, ठीक है, यहां से ध्यान दो इधर,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, क्लियर है, ओ ए सी इसका एरिया लेस देन और इक्वल्स टू हो सकता है किसके, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी लेस देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। देखो इधर ये वाला पोर्शन ए ओ ए सी, इस ट्राइंगल का एरिया लेस देन होगा इस सेक्टर के एरिया से और वो भी लेस देन होगा ट्राइंगल ओ ए बी के एरिया से। तो देखो इधर आगे, तो एरिया ऑफ ए ओ ए सी क्या होगा, ओ ए सी, ठीक है, रेडियस दे रखी है, एंगल दे रखा है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, याद आ रहा है, हाफ आर स्क्वायर साइन एक्स डिग्री लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, साइन एक्स आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर एओसी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, बोलो भाई थीटा आर स्क्वायर, थीटा कितना है एक्स आर स्क्वायर अपॉन टू, थीटा आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, थीटा आर स्क्वायर अपॉन टू हो गया। इसके बाद लेस देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, देखो इधर जब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ए बी की लेंथ कितनी आएगी, आर टेन एक्स, आर इंटू टेन एक्स, तो यहां से आ जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा आर और परपेंडिकुलर हो जाएगा आर टेन थीटा, तो इसका मतलब आर स्क्वायर टेन एक्स, आर स्क्वायर टेन एक्स। आगे देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, वन बाय टू से वन बाय टू कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास आ गया साइन एक्स, ठीक है, फाइनली अपने पास आ गया साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू टेन एक्स, ये अपना सॉल्यूशन आ गया। अब देखो आगे, मतलब साइन एक्स एक्स के इक्वल भी हो सकता है और एक्स से छोटा भी हो सकता है, और टेन एक्स के इक्वल भी हो सकता है और टेन एक्स से छोटा भी हो सकता है। आगे ध्यान दो, अब अगर मैं इसको डिवाइडिंग बाय साइन एक्स से अगर डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, इधर वन लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स से डिवाइड कर रहा हूं तो वन बाय कॉस एक्स बनेगा, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो वन वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी चेंज होगी रेसिप्रोकल में, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, इधर क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और आप क्या करें लिमिट अप्लाई करें, ठीक है, यहां से अगर लिमिट अप्लाई करोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन के अप्लाई करो, और इधर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स, ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, इधर वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, क्लियर है, ये अपनी सैंडविच थ्योरम है, ठीक है। देखो इधर फिर से, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया
तो आप वीडियो को लेक्चर को बैक जाकर फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ चैप्टर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या आएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्या होता था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही आ जाएगा यहां से। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ध्यान दो इधर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता था भाई, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यही होता था। अब यहां से देखो पाई मतलब 180, तो इधर थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर, जब पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करोगे तो 180 अपॉन 360 1/2, तो थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर, थीटा कितना है x, तो x आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो क्लियर है, सैंडविच थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल है देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 upon 1 plus n square plus 2 upon 2 plus n square plus 3 upon 3 plus n square plus 3 upon 3 plus n square plus, चलता रहेगा n upon n plus n square। क्लियर, जब ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में देखो इधर क्या दिख रहा है आपको, n इंफिनिटी जा रहा, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है, न्यूमरेटर क्या बन रहा है इसका, इंफिनिटी बन रहा है, तो ये किसको जा रहा है, कंप्लीट एक्सप्रेशन चेक करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक लाइन नोट करो, इसके नीचे पॉइंट नोट करो, सैंडविच यूज इफ फॉर्म ऑफ सीरीज एंड एवरी टर्म टेंड टू जीरो ऑन लिमिट। ठीक है, फॉर्म ऑफ सीरीज एंड एवरी टर्म टेंड टू जीरो ऑन लिमिट, मतलब लिमिट अप्लाई करूं तो किसको रिफर, किसको जाए, जीरो को टेंड करे। ठीक है, देन लिव द न्यूमरेटर एंड प्ले विथ डिनोमिनेटर। ठीक है, देन लिव द न्यूमरेटर एंड प्ले विथ डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर को इग्नोर करो और डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करें। तो ध्यान दो इधर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे भाई, 1 upon सबसे, ठीक है, सैंडविच करो, क्या कहती है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो सबसे ही छोटा है और एक फंक्शन एच ऑफ एक्स जो सबसे ही बड़ा है। ठीक है, और बीच में कौन है, जो इक्वल पे, तीनों के इक्वल हो सकता है, दोनों के इक्वल हो सकते हैं, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 2 upon n plus n square 3 upon n plus n square। ठीक है, ये चलता रहेगा n upon n plus n square। देखो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, तो इस सीरीज में डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन हो सकता है, n plus n square, तो सबसे बड़े अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, और इधर अगर मैं सबसे छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 1 upon 1 plus n square 2 upon 1 plus n square, तो सबसे छोटे से डिवाइड कर दिया, प्लस n अपॉन 1 plus n square। इसके बाद क्या करें, ठीक है, ध्यान दो इधर, सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 upon n plus n square कॉमन आ रहा है, और इधर क्या बचेगा, 1 plus 2 plus 3 plus n तक, और इधर भी 1 upon 1 plus n square कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 to n। ठीक है, तो आपको पता है 1 to n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n into n plus 1 upon 2, और नीचे क्या दे रखा है, n upon n square। ठीक है, और इधर भी वही चीज है, n into n plus 1 upon 2 into 1 plus n square। ठीक है,
यहां से लिमिट अप्लाई करो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये n इंटू एन प्लस वन अपॉन, नीचे फैक्टराइज कर दो, n कॉमन ले लो, तो n इंटू एन प्लस वन, यहां से n n प्लस वन, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 1/2। चलो इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसमें भी लिमिट अप्लाई करो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या बनेगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 इंटू वन प्लस n स्क्वायर। फिर से देखो इसको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या करो n स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस वन अपॉन n, 1 प्लस वन बाई n, नीचे भी अगर n स्क्वायर कॉमन लोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा 1 प्लस वन बाई n स्क्वायर, ठीक है, यहां से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करोगे तो यहां से 0 और यहां से भी 0, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है, तो ध्यान दो इधर, तो लिमिट कितनी आ गई, तो इस फंक्शन की, इस एक्स इस सीरीज की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी 1/2, क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे कुछ स्पेशल लिमिट्स है, ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड लिमिट वो आपको लर्न रखनी है, काफी कुछ अपन ने लास्ट लेक्चर में कर चुके थे अपन, और जो बची हुई है वो अभी नोट कर लेंगे। सबसे फर्स्ट जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है, लिमिट चेक करेंगे तो सबसे पहले उनका जो एंगल होगा वो किस में होना चाहिए, रेडियन में, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो एंगल्स इन रेडियंस, एंगल्स इन रेडियंस, एंगल्स इन रेडियंस। एग्जांपल देखो, अगर आपसे पूछ रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स, साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स, तो इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, तो अपन डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, यहां से ध्यान दो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, इसको पहले किसमें कन्वर्ट करोगे, साइन एक्स इंटू डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और यहां देखो सेम एक्स होने के लिए यहां भी अपने को एक्स पाई अपॉन 180 और यहां पे भी पाई अपॉन 180, ठीक है, ये मैंने इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए किया ऐसा, ठीक है, इसको तो मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, और इसको साइन सेम एक्स अपॉन सेम एक्स बनाया, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, अगर यहां पे एक्स इस फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर में भी एक्स इसी फॉर्म में होना चाहिए, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू, अब यहां से इसको बैलेंस करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली अपनी लिमिट कितनी आ गई, जिसकी लिमिट 1 आ गई और इंटू पाई बाई 180, तो फाइनल आंसर इज पाई बाई 180, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर एग्जांपल ऐसा हो तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स डिग्री, साइन एक्स अपॉन एक्स डिग्री, क्या करोगे भाई, फिर से अप्लाई करो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर तो साइन एक्स ही है और नीचे एक्स कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 180, ठीक है, ये क्या बन गया 1 बन गया, तो फाइनली कितना हो गया 1 अपॉन पाई अपॉन 180, तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आगे, अगर एग्जांपल ऐसा हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स डिग्री, अगर एग्जांपल इस टाइप का हो तो क्या करोगे भाई, क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको क्या लिखोगे, साइन पाई एक्स अपॉन 180,
और नीचे इसको डिग्री में क्या लिखोगे, इसको भी पाई एक्स अपॉन माइनस टी लिख सकते हैं रेडियन में, तो ये तो वैसे ही क्या हो गया, वन हो गया, इसकी लिमिट क्या हो गई, वन हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स, हाँ भाई लिमिट कितनी होनी चाहिए, ध्यान दो इधर, साइन एक्स ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यहां पे जो ब्रैकेट दे रखा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलो देखो इधर एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, क्या वन से बड़ी हो सकती है? ठीक है, अगर वन से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, ये वैल्यू कभी भी वन से माइनस वन टू वन ही वेरी करेगी, और एक्स से डिवाइड करोगे इसका मतलब क्या होगा, वो वैल्यू वन से छोटी होगी, और अगर वन से छोटी होगी तो इसका मतलब क्या है, उसका इंटीजर कितना होगा, जीरो। तो ये स्पेशल पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, अगर एग्जांपल ऐसा हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स कंप्लीट ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो तो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो वन ही आती है, जो इनर साइड जो पोर्शन है उसकी वैल्यू कितनी आती है, हमेशा वन आती है, और वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, वन ही होता है। तो ध्यान रखना इन दोनों पॉइंट को, पॉइंट टू रिमेंबर। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन एक्स अपॉन एक्स, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो कितना होगा भाई, वन ही होगा। और ऐसा हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टेन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी लिमिट भी कितनी होगी, वन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है, अब क्या करें, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान दो इधर, जब भी एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी जा रहा हूं तो एक बार आप, ठीक है, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो यहां पे प्लस इंफिनिटी होगा, जब भी एक्स माइनस इंफिनिटी को जा रहा हो, ठीक है, तो उस केस में पहले एक बार फंक्शन को चेक करोगे, एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स, इसका मतलब माइनस इंफिनिटी की जगह प्लस इंफिनिटी होगा, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है, इसका मतलब अब अगर देखो लिमिट कहां किसको जा रही है, एक्स टेंस टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म हो गई, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, और ये फॉर्म कैसी थी, डज नॉट एग्जिस्ट, अपन बात कर चुके हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू दी पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स अपॉन टेन एक्स, क्या करोगे भाई, e टू दी पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन टेन एक्स, इसको स्टूडेंट लिमिट में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं फोर एक्स से न्यूमरेटर को और डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ध्यान दो, ठीक है, तो ध्यान दो इधर, इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e टू पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, e टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x, याद आ रही है स्टूडेंट लिमिट, इंटू, ठीक है, x अपॉन टेन एक्स इंटू फोर, ये भी स्टूडेंट लिमिट में कन्वर्ट हो गया, ये भी स्टूडेंट लिमिट हो गया, तो फाइनली आ गया वन इंटू वन इंटू फोर, तो फोर अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल फटाफट सॉल्व करते जाओ,
लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर 10x माइनस e टू दी पावर x अपॉन 10x माइनस x, 10x माइनस x क्या करोगे भाई इसमें? ध्यान दो इधर आगे, लिमिट x टेंस टू जीरो इसको स्टूडेंट लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करें अगर देखो इधर, यहां पे 10x माइनस x दे रखे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो e टू दी पावर x जैसे आप ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन लोगे, डिनोमेटर देखा आपने 10x माइनस x, और यहाँ पे 10x है, माइनस x कब बनेगा? जब e टू दी पावर x आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? e टू दी पावर 10x माइनस x, e टू दी पावर x माइनस में चला जाएगा, यहां से माइनस वन अपॉन नीचे क्या है 10x माइनस x। देखो इधर स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मेट देखो, e टू दी पावर x, x में कौन है 10x माइनस x, e टू दी पावर सेम x माइनस वन अपॉन सेम x, ठीक है। तो फाइनली क्या आ गया e टू दी पावर x, तो इसकी लिमिट e टू दी पावर जीरो इंटू वन, तो फाइनली आंसर कितना आ गया वन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करोगे भाई? इसको स्टैंडर्ड लिमिट में देखो, यहां पे x स्क्वायर दिख रहा है, यहां पे भी x स्क्वायर दिख रहा है, दिखा, लेकिन यहां पे माइनस वन नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या नहीं है? माइनस वन नहीं है, तो माइनस वन अपन यहां पे जनरेट कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है, e टू दी पावर x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर, यहां पे माइनस वन कर दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्लस वन माइनस कॉस एक्स अपॉन x स्क्वायर, और मैंने उसको टर्म को भी सेपरेट कर दिया। ध्यान दो इधर, मैंने क्या किया, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर को ऐसी चीज का माइनस वन किया, प्लस वन भी कर दिया, देखो सेम डिनोमिनेटर के साथ माइनस वन प्लस वन, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आपको दिख गई होगी स्टूडेंट लिमिट, ठीक है। हाँ भाई, स्टूडेंट लिमिट इसकी कितनी, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर सेम एक्स माइनस वन अपॉन सेम एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी, वन, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना, प्लस वन बाई टू, तो आंसर इज थ्री बाई टू, आंसर कितना आ गया थ्री बाई टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो इधर, लिमिट x टेंस टू जीरो e टू दी पावर साइन टू x, e टू दी पावर साइन टू x माइनस e टू दी पावर साइन x अपॉन x, ठीक है, e टू दी पावर साइन टू x माइनस e टू दी पावर साइन x अपॉन x, क्या करें भाई? कैसे इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करें? फॉर्म कौन सी है? जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, डिनोमिनेटर भी जीरो को जा रहा है और न्यूमरेटर भी जीरो को जा रहा है, तो फिर से क्या करें? देखो देखे स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो रहा है क्या? यहां से क्या करोगे, e टू दी पावर साइन एक्स जैसे ही कॉमन लोगे, न्यूमरेटर में e टू दी पावर साइन एक्स कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? e टू दी पावर साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस वन। क्लियर है? और डिनोमिनेटर में क्या करोगे? एक्स इंटू क्या, एक्स इंटू, यहां देखो डिनोमिनेटर में साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स, और इधर भी साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करोगे? माइनस वन, और इधर साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे
तो यहां से क्या आ गया, देखो e टू दी पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर साइन x अपॉन x इंटू, ठीक है, साइन टू एक्स माइनस साइन एक्स, और इसकी लिमिट कितनी वन हो ही गई। अब यहां पे लिमिट अप्लाई करो, इसकी भी लिमिट पुट करो तो e टू दी पावर जीरो हो जाएगा, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, e टू दी पावर जीरो कितना हो गया, वन हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन अपॉन x, ठीक है, यहां से देखो यहां लिख सकते हैं अपन टू साइन x इंटू कॉस x माइनस साइन x, ठीक है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहां से साइन x कॉमन आ सकता है और डिनोमिनेटर x है, इधर क्या बचेगा टू कॉस x माइनस वन। लिमिट जैसे अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी, स्टैंडर्ड लिमिट वन इंटू टू माइनस वन, तो आंसर कितना आ गया वन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ln वन प्लस एक्स अपॉन थ्री टू पावर x माइनस वन, थ्री टू पावर x माइनस वन, क्या करोगे भाई, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, तो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल। देखो ln वन प्लस एक्स अपॉन एक्स कर देता हूं और इधर x को इधर न्यूमरेटर में बैलेंस कर दो, ध्यान दो इधर ln वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड लिमिट देखो इधर x टेंड्स टू जीरो और इधर x अपॉन थ्री टू पावर x माइनस वन, तो बताओ इसकी लिमिट कितनी वन और उसकी ln थ्री, इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, इसकी लिमिट वन हो गई इंटू इसकी कितनी a टू दी पावर x माइनस वन अपॉन x, तो ln थ्री, तो आंसर कितना आ गया वन बाई ln थ्री। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू e ln x माइनस वन अपॉन x माइनस e, ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन, अच्छा एग्जांपल है, लिमिट ln x माइनस वन अपॉन x माइनस e, x टेंड्स टू e, तो क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू e, ठीक है, ln x, ln x माइनस ln e अपॉन, अपॉन क्या होना चाहिए x माइनस ई, फिर इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू ई, लिमिट x टेंड्स टू ई क्या लिख सकते हो उसको, ln x अपॉन ई, ठीक है, अपॉन यहां से ई कॉमन आएगा तो क्या बनेगा x अपॉन ई माइनस वन। तो ध्यान दो इधर ln ln x माइनस वन वन प्लस एक्स ln वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो यहां पे x ये दिख रहा है अपने को इस फॉर्म में और x अपॉन ये दिख रहा है अपने को, तो अगर मैं इसको माइनस वन करूं तो यहां पे मेरे को क्या करना होगा वन प्लस करना होगा, ठीक है। तो अब देखो ln वन प्लस एक्स, ln वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या बन गया स्टैंडर्ड लिमिट हो गई, इसकी वैल्यू कितनी वन, तो वन अपॉन ई इंटू वन, तो आंसर इज वन बाई ई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इधर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू दी पावर एक्स माइनस ए टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, एक्स टू दी पावर एक्स को क्या लिखोगे भाई, लिमिट एक्स टू दी पावर एक्स को
देखो यार e टू दी पावर क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर x ln x, ठीक है, माइनस e टू दी पावर x ln a माइनस e टू दी पावर x ln a, ठीक है। तो यहां से देखो लिमिट x टेंड्स टू a, e टू दी पावर x ln a कॉमन आएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, e टू दी पावर x ln x माइनस x ln a माइनस वन अपॉन, यहां से देखो x ln x माइनस x ln a, जो ऊपर e टू दी पावर x बन रहा है उसी से अपन मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो इधर भी x ln x माइनस x ln a इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। यहां से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि अपन स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। फिर x माइनस a डिनोमिनेटर अभी भी वही है, फिर आगे देखो ये अपना स्टैंडर्ड लिमिट कन्वर्ट हो गया तो इसकी वैल्यू वन हो गई, और यहां से e टू दी पावर x ln a, x की वैल्यू रिप्लेस करी मैंने a से, लिमिट अप्लाई करी तो e टू दी पावर a ln a, ठीक है। फिर x, यहां से x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आता ही ln क्या बचेगा, x अपॉन a, ठीक है, और वन और प्लस वन माइनस वन मैंने ऐड किया, तो नीचे देखो जैसे मैंने x कॉमन लिया तो x अपॉन a माइनस वन बन रहा था, इस वजह से मैंने प्लस वन माइनस वन ln में लॉग में ये ऐड कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट कन्वर्ट हो गया और x से x कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास आ गया e टू दी पावर a ln a डॉट वन, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी आ गई, वन आ गई, और फाइनल आंसर कितना आ गया, a टू दी पावर a, क्लियर है।